तो आज मैं आ गया इंदौर की फेमस शॉप लक्ष्मी नारायण दूध वाले पे। तो इनके यहाँ पे जो दूध है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है और पूरे इंदौर में इनका केसर वाला दूध काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो सर अपना नाम बता दीजिए। अशोक जैन। तो यहाँ पे देख सकते हो गर्मा गर्म दूध बॉयल होने के लिए जा रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे कंटेनर भरा जा रहा है। तो देख सकते हो कितनी बड़ी मशीन में यहाँ पे दूध को बॉला जा रहा है। तो यहाँ पे दूध बढ़िया तरीके से बॉयल हो चुका है, अब इसको निकालेंगे बाल्टी में कंटेनर्स में निकाल के इसको कढ़ाई में लगाया जाएगा। तो यहाँ पे डालने जा रहे हैं इंदौर का फेमस केसरी दूध। कढ़ाई का साइज देख सकते हो कितना बड़ा है, कितने लीटर की रहती है ये? 151 लीटर की। 151 लीटर। और ये देखिए भाई केसरिया दूध यहाँ पे कढ़ाई में डल चुका है, पूरा भर के कढ़ाई को यहाँ पे लगाया जाएगा। तो इनका जो केसर का दूध है पूरे इंदौर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है श्री लक्ष्मी नारायण दूध वाले। ये देख सकते हो आप चौथी बाल्टी आ चुकी है यहाँ पे और पूरी की पूरी कढ़ाई देख सकते हो भरने जा रही है यहाँ पे। ये पांचवी बाल्टी आ चुकी है इसमें, ये आ गई छठी बाल्टी, ये आ गई सातवीं बाल्टी। एकदम बढ़िया से मलाईदार दूध रहता है जिसमें कि इन्होंने केसर डाला होता है, काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। धीमे धीमे यहाँ पे दूध पकता रहता है, ग्लास लगते रहते हैं, दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में दूध डाला जा रहा है और ये कढ़ाई पूरी भर के लगने वाली है। 151 लीटर यहाँ पे दूध जा रहा है केसरिया दूध। तो अब टैप को खोल दिया, अब यहाँ से दूध निकाल के कढ़ाई में लगाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो पूरी सी पूरी कढ़ाई यहाँ पे भर चुकी है, 151 लीटर दूध है इसमें। और जब लगाया जाएगा ग्लासों में मलाई के साथ लगाया जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटीज़ मिल जाएगी, आपको केसरिया दूध विद रबड़ी मिल जाएगा। ये पूरा टाइम करता रहेगा ये? हाँ ये ऐसे ही ऐसा चलता रहेगा। अच्छा ऐसे चलता रहेगा ये जी। क्या क्या डाला जाता है इसमें? जो गिलास है वो मलाई वाला ही होता है। अच्छा, रबड़ी साथ में रहती है? रबड़ी एक अलग एक्स्ट्रा स्पेशल बनाया जाता है जो अपने यहाँ का। अच्छा अब ऐसे मलाई बनेगी? अच्छा मलाई बनेगी। तो देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ पे मलाई बनना शुरू हो चुकी है। ये डाल रहे हैं आप केसर। तो भाई अब यहाँ पे डालने जा रही है चीनी और अच्छे से अब इसको मिक्स कर दिया जाएगा दूध के साथ। दूध डलेगी, खारक डलेगी, बाकी ये एक्स्ट्रा दूध मसाला जो अपन रखते हैं जावेत्री इलायची इलायची का वो होगा, बाकी पिस्ते से डेकोरेशन होगा जिसका पूरा मलाई पे। तो देखते हैं यहाँ पे पिस्ता डाला जा रहा है, अच्छे से मलाई के ऊपर डेकोरेट किया जा रहा है इसको। ये खजूर डाल रहे भैया दूध के लिए। अच्छा, खजूर भी डलेगा इसमें? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हो दूध में खजूर भी डलने जा रहा है। तो ये बहुत ही हेल्दी होने वाला है, बहुत ही ड्राई फ्रूट से भरा हुआ खजूर डाल रहा है। पहली बार देख रहा हूँ कि केसरिया दूध में यहाँ पे खजूर डाला जा रहा है। खजूर डाल दिया उन्होंने पूरे दूध में बढ़िया तरीके से, देख सकते हो पूरी कढ़ाई में यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं और अब ये आ गया खजूर। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो दूध बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है, ऊपर मलाई आ चुकी है, कितना बढ़िया टेक्सचर आ चुका है यहाँ पे, एकदम ड्राई फ्रूट आप देख सकते हो ऊपर तैरते हुए आपको दिखेंगे मलाई के साथ। तो देख सकते हो यहाँ पे फटाफट ग्लास लगाया जाएगा, गर्मा गर्म यहाँ पे लगेगा केसरिया दूध। ये आ गया गर्मा गर्म दूध और अब ये लगाया जाएगा ग्लासों में। तो एकदम फटाफट काम चलता रहता है, फटाफट यहाँ पे लोग आते हैं, फटाफट दूध बिकता रहता है। ये आ गया गर्मा गर्म दूध, अब ये लगाया जाएगा ग्लासों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फटाफट यहाँ पे दूध लगाया जा रहा है, फटाफट काम चलता रहता है, फटाफट ऑर्डर चलते रहते हैं। तो काफ़ी पसंद है यहाँ पे केसरिया दूध, नीचे से केसरिया दूध रहता है, ऊपर से मलाई रहती है। और ये ग्लास लग चुका है 30 रुपये ग्लास रहता है और अगर आपने रबड़ी वाला दूध लेना तो वो 60 रुपये का पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे केसरी दूध का ग्लास लगने जा रहा है और ये लग रहा है कूलर में, ऊपर से आ गई मलाई। और चलिए हम भी इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट। तो फाइनली लक्ष्मी नारायण दूध वाले का फेमस केसरिया दूध का ग्लास यहाँ पे लग चुका है, तो देख सकते हो आप। तो मैंने ये दूध लगवाया है कूलर में। तो इस दूध में केसर डाला जाता है, ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, पिस्ता डाला जाता है और इसको अच्छे से कढ़ाया जाता है और जब इसको सर्व करते हैं तो साथ में ऊपर से मलाई डाल के सर्व किया जाता है। बात कर लिया इसकी प्राइस की, इसका प्राइस देते हैं 30 रुपीज़ और अगर आप कूलर में लगवाते हैं तो 35 रुपये प्राइस रहता है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इनके दूध में थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो जो इन्होंने ड्राई फ्रूट डालते हैं, पिस्ता डालता, खजूर डाला था, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। बहुत ही बढ़िया से कढ़ा के इसका दूध बनाया गया है और ऊपर से जो मलाई डाली है इसको पीने का अलग ही मज़ा है। तो टाइमिंग क्या रहती है? 5:30 बजे से चालू करते हैं, रात को 11:30 बजे। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? पूरे दिन, 7 दिन। तो छुट्टी का क्या काम दूध की दुकान पे? कभी भी आ सकते हैं लोग, कभी भी आ सकते हैं। एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना हो। छावनी लक्ष्मी नारायण जी दूध वाले, किसी से पूछ लीजिए, था कोई भी ऑटो वाला छोड़ देगा, पुराना होगा, कोई नया भी होगा तो उससे बोलना छावनी जाना है, बड़ी कढ़ाई यहाँ लगती है, आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो अगर आप भी इंदौर रहते हो, विजिट कर रहे हो, तो यहाँ पे आके इनका केसरिया दूध एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं यहाँ पे इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।